हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सोनल। वेलकम बैक टू माय चैनल लिवियंग टीवी। फ्रेंड्स, लिवियंग टीवी चाहता है इंडिया नॉइस फ्री और पोल्यूशन फ्री बने, और इसलिए हम चाहते हैं इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स और फोर व्हीलर ही चलाए। तो आज मैं आपको ऐसे ही एक जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसका रिव्यू देने वाली हूँ। और ये एक हाई स्पीड की स्कूटर है, ये जॉय ई कंपनी की स्कूटर है और इस स्कूटर का नाम है मी होस। फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ जॉय ई बाइक के शोरूम में, और इनके शोरूम का नाम है अशोका ईवी सेल्स एंड सर्विसेज। ये आता है भूमकर चौक पुणे, जो कि विजन मॉल के साइड में है। यहाँ पर आने के बाद जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है आप देख सकते हो या फिर इनका टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हो। तो प्लीज आप लोग इनके शोरूम में विजिट कीजिए। सो लेट्स बिगिन विद द रिव्यू। ये जो स्कूटर आप देख रहे हैं आपको यहाँ पर ब्लैक मैट कलर में देखने के लिए मिल जाएगा, और ये है इसका स्कूटर का लोगो। यहाँ पर स्कूटर का बैचिंग दिया गया है, नाम है यहाँ पर मी होस। यहाँ पर नंबर प्लेट के लिए ब्रैकेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा क्या है, और ये है इंडिकेटर जो कि बॉडी में ही दिए गए हैं, आपको राउंड शेप में देखने के लिए मिल जाएगा। आपको ऑन करके दिखाती हूँ। और इसके जो हेडलाइट है यहाँ पर हैंडल में ही दिए गए हैं, तो ये देखिए ये है इसका हेडलाइट जो कि आपको एलईडी लाइट देखने के लिए मिल जाता है, और ये है इसके इंडिकेटर, ये भी एलईडी ही यहाँ पर दिए गए हैं। ये है टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन विद अलॉय व्हील रिम, और ये है 12 इंच के ट्यूबलेस टायर, और ये है यूरो ग्रिप कंपनी के, और यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर भी दिया गया है। ये है 220 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक जो कि ऑयल ऑपरेटेड है, और ये ऑयल ऑपरेटेड होने की वजह से आप एफर्टलेस ब्रेकिंग कर सकते हैं, और इसमें कॉम्बी ब्रेक का भी सिस्टम दिया गया है। ये है इसका रेयर ब्रेक, और इसका ग्रिप भी बहुत ही अच्छा है, मेंटेन भी किया गया है। यहाँ पर ये जो गैप है वो इमरजेंसी में ब्रेकिंग के लिए ईजी हो जाता है। ये है इसके अपर लाइट और लोअर लाइट का स्विच, यहाँ पर इंडिकेटर का स्विच दिया गया है, और स्विचेस भी काफ़ी सॉफ्ट यूज करने के लिए। ये है इसका हॉर्न, ये है इसका फ्रंट ब्रेक, ये है इसका एक्सीलेटर, ग्रिप बहुत ही अच्छा है जैसे कि मैंने आपको कहा। ये है इसका किल स्विच, और ये है मोड के स्विच, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपको इस स्कूटर में तीन मोड देखने के लिए मिल जाते हैं, तो ये उसका है। ये है इसका डिजिटल डिस्प्ले जो कि 4.5 इंच का है, और यहाँ पर जॉय ई बाइक भी लिखा गया है, तो इसको कर देते हैं ऑन। तो ऑन करने के बाद ये लिख के आता है। तो ये है इसका स्पीडोमीटर, ये है इसका बैटरी स्टेटस, आपकी बैटरी कितनी चार्ज है और कितनी नहीं आपको यही से पता चल जाएगा। 81.2 वोल्ट इसके बैटरी का है ये। और ये है इसका ट्रिपोमीटर, ये है इसका ओडोमीटर, और यहाँ पर आपको रेंज पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको इसमें थ्री मोड देखने के लिए मिल जाते हैं, तो फर्स्ट मोड, तो फर्स्ट मोड में 127 किलोमीटर तक जाती है ये। सेकेंड मोड है स्पोर्ट्स मोड, तो स्पोर्ट्स मोड पर 98 किलोमीटर तक जाती है, एंड थर्ड मोड पर ये 78 किलोमीटर तक जाती है। तो चलिए आपको इसकी स्पीड बता देती हूँ। तो मैंने इसको ऑलरेडी इको के मोड पे डाल दिया है, तो इको के मोड पे कितना स्पीड मिलता है देख लेते हैं। चलिए मैक्स टू मैक्स 34 का स्पीड हमें 35 का स्पीड देखने के लिए मिल जाता है। नाउ सेकेंड मोड, तो सेकेंड मोड है स्पोर्ट्स मोड, 45 मैक्स टू मैक्स 46 का स्पीड हमें देखने के लिए मिल जाता है। नाउ थर्ड मोड इज हाइपर मोड, तो हाइपर मोड पे ये जाता है 66 मैक्स टू मैक्स 66 का स्पीड हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो ये है इसका मिडिल एरिया, सबसे पहले हमें ये हुक देखने के लिए मिल जाता है ब्लैक कलर का, तो यहाँ पर आप हैंग कर सकते हो बैग्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद ये है यहाँ पर
सॉकेट, बैटरी को चार्ज करने के लिए सॉकेट दिया गया है। तो ये देखिए, पहले तो ये ऐसे दिया गया है कवर, उसके बाद एक और अंदर कवर है। तो ये देखिए, यही से आपको स्कूटर को करना है चार्ज। तो इस तरह से यहाँ पर भी स्पेस दी गई है, तो आप जो आपका छोटा मोटा सामान है इस तरह से यहाँ पर रख सकते हो। नीचे ये है इसका लेग स्पेस, यहाँ पर आपको मैट देखने के लिए मिल जाती है। उसके ऊपर मी होस लिखा गया है जॉय ई बाइक, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 175 mm का। तो ये हमें मिल जाता है इस स्कूटर के साथ। ये है इसका रिमोट कंट्रोल की, तो ये है स्कूटर को स्टार्ट करने का बटन, ये है स्कूटर लोकेटर, ये है अनलॉक का स्विच, और ये है लॉक करने का स्विच, और ये है इसकी की। तो ये देखिए, पीछे के साइड में भी एक मैग्नेट दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, जब हम पार्किंग में लगा देते हैं तो बच्चे खेलते खेलते यहाँ पर कुछ भी डाल देते हैं, तो इसे भी हमें कवर करने के लिए ये देखिए ऐसा दिया गया है। गाइस, ये है इसका सीट, और इसके सीट का हाइट है 790 mm का। यहाँ पर तीन लोग काफ़ी आसानी से बैठ सकते हैं, दो बड़े लोग और एक छोटा बच्चा। ये आपको ब्लैक कलर में देखने के लिए मिल जाएगा, और इसके ऊपर आपको ये स्टिचिंग देखने के लिए मिल जाती है। इसका थाई सपोर्ट भी बहुत ही अच्छा है, आगे से नैरो है और पीछे से ये चौड़ा है, तो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है ड्राइविंग के टाइम पे। जो पीछे बैठते हैं उनके लिए यहाँ पर ग्रैप होल्डर दिया गया है जो कि ब्लैक कलर का है। तो सीट को कैसे खोलना है, तो ये देखिए, ये है इसकी की, हमें यहाँ पर लगाना है बैक साइड पर और राइट साइड पर घुमाना है। तो इसे अभी हमने खोल दिया है। ये है इसका बूट स्पेस, और ये है 30 लीटर का है। तो यहाँ पर आपका हेलमेट भी आ जाएगा, प्लस कुछ सामान रखना चाहते हो तो वो भी आ जाएगा। इसके साथ आपको ये मिल जाता है फर्स्ट एड किट, दूसरा है यूज़र मैनुअल, और ये है इसका टूल किट। तो ये तीन चीज़ें आपको मिल जाएगी। उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये लाइट दिया गया है। तो पहले तो हमको ये जो स्कूटर का की है यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर ये इसका सेंसर दिया गया है, तो यही से ये ऑपरेट होगा इस तरह से। तो ये आपको वाइट कलर में लाइट देखने के लिए मिल जाता है। इसका ऑन ऑफ स्विच अंदर ही दिया गया है, इन केस कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो ये आपकी स्कूटर को प्रोटेक्ट करता है। और ये है चार्जिंग पोर्ट, आपको अंदर ही देखने के लिए मिल जाता है। तो ये टेंशन नहीं होता, आप फ़ोन को चार्जिंग को लगा के फ़ोन अंदर ही रख सकते हो। गाइस, जैसे कि मैंने बोला था कि ये एक लिथियम आयन बैटरी के स्कूटर है, तो इसकी बैटरी कहाँ है दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, इसकी जो बैटरी है यहाँ पर उसे नीचे दिया गया है। यहाँ पर ये है 2.8 kW की लिथियम आयन बैटरी, जो कि 72 volt 40 ampere की है। आपको इसे जगह पर ही चार्ज करना है, ये निकल नहीं सकती है। तो आइए इसके चार्जर के बारे में जानकारी दे देती हूँ। तो ये है इसका चार्जर, आता है ब्लैक कलर में। ये है इसका सॉकेट, हमें स्कूटर को ये सॉकेट कनेक्ट करना है। ये है इसका 3-pin plug, ठीक है। और इसका आउटपुट वोल्टेज है 84 volt, और इसका आउटपुट करंट है 10 ampere, और ये 10 ampere का होने की वजह से 4 घंटे में चार्ज कर देता है आपकी बैटरी को ये चार्जर। तो चलिए स्कूटर को कैसे चार्ज करना है दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा एनर्जी मीटर, इसे लगा देते हैं यहाँ पर। और ये है मेरा 3-pin plug, इसको भी कनेक्ट कर देते हैं एनर्जी मीटर पर। और ये वाला जो सॉकेट है इसे हम लगा देते हैं इधर, ठीक है। ये हो गया है कनेक्ट, तो देखते हैं कितने वॉट से होता है ये चार्ज। ये 964.2 वॉट से यहाँ पर चार्ज हो रहा है, और यहाँ पर भी हमें समझ में आ जाता है कि हमारी स्कूटर कितनी चार्ज हुई है और कितने परसेंटेज से नहीं। यहाँ पर भी देख लेते हैं डिस्प्ले पे कुछ आ रहा है कि नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पर ये सिंबल है चार्जिंग का। ये है इसकी 1.5 kW की BLDC हब मोटर, इसे व्हील में ही दिया गया है, और ये वाटरप्रूफ है और काफ़ी कॉम्पैक्ट है। और BLDC मोटर का ये फ़ायदा होता है कि इसका आवाज़ ही नहीं आता है, क्योंकि मेरे पास भी BLDC वाली स्कूटर है, 5 साल हो गए, बिल्कुल भी उसमें आवाज़ नहीं आता है। जो बेल ड्राइव की स्कूटर होती है, Day 1 से उसमें आवाज़ आना चालू हो जाता है, ठीक है। और ये है एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन, आप सिंगल सीट हो या डबल सीट हो, आप इसे एडजस्ट करके चला सकते हो। और ये है इसके ट्यूबलेस टायर।
और ये देखिए यहाँ पर आपको मोटर गार्ड देखने के लिए मिल जाता है, जो पीछे बैठते हैं उनके लिए यहाँ पर ये फुटरेस्ट दी गई है सिल्वर कलर की। जॉय ई बाइक का बैचिंग है यहाँ पर, ये एक फुटरेस्ट है इस साइड में, और आपको मेन स्टैंड देखने के लिए मिल जाता है, प्लस ये वाला एक साइड स्टैंड भी दिया गया है। ये है रेयर डिस्क ब्रेक जो कि ऑयल ऑपरेटेड है, और इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग का भी सिस्टम दिया गया है, और इस साइड में भी आपको ये गार्ड देखने के लिए मिल जाएगा। जॉय ई बाइक यहाँ पर दिया गया है, और ये है एक फुटरेस्ट। तो ये देखिए ये है इसका ब्रेक लाइट, यहाँ पर हमें एलईडी लाइट देखने के लिए मिल जाते हैं, इंडिकेटर्स में भी एलईडी लाइट दिए गए हैं। ये है यहाँ पर ब्रैकेट, नंबर प्लेट के लिए यहाँ पर ब्रैकेट दिया गया है, उसके नीचे भी एक लाइट है, और ये है यहाँ पर रिफ्लेक्टर। आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस स्कूटर के प्राइस के बारे में जानकारी दे देती हूँ। इसका ऑन रोड प्राइस है 1,10,000। इसके ऊपर आपको लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस की भी ज़रूरत है, और इसके वारंटी की बात की जाए, इसके बैटरी के ऊपर आपको 3 साल या 60,000 किलोमीटर की के ऊपर वारंटी मिल जाती है, और बाकी की वारंटी के मैं आपको साइड में दे देती हूँ डिटेल्स, आप पढ़ लीजिए। सो गाइस, इसमें रिवर्स असिस्ट का भी फीचर है। करना क्या है, जस्ट हमें पीछे लेना है तो ये ऑटोमेटिक इस तरह से पीछे जाती है, तो हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो चलिए गाइस, लेती हूँ इसका टेस्ट ड्राइव, पर उसके पहले कहना चाहती हूँ कि ये सिंगल चार्ज में इको के मोड पे 130 किलोमीटर तक जाती है। तो चलिए लेते हैं टेस्ट ड्राइव। सो गाइस, अभी मैं आ गई हूँ हाईवे पे, ये देखिए, और इसको मैंने डाल दिया है इको के मोड पे। तो चलिए देख लेते हैं कि इको के मोड पे हमें कितना स्पीड मिलता है। तो इको के मोड पे हमें मिल गया है 35 का स्पीड, मैक्स टू मैक्स 35। नाउ मैं डाल देती हूँ सेकेंड मोड। तो देखिए मैंने इसको डाल दिया है सेकेंड के मोड पर। तो ये है सेकेंड के मोड पे 45 का स्पीड। तो चलिए हाइपर पे मोड पे डाल दिया है मैंने, तो देख लेते हैं कितना स्पीड मिल रहा है। तो ये देखिए, इस हाईवे पर लेके आई हूँ। तो ये गाइस, मैक्स टू मैक्स 52 का स्पीड हमें यहाँ पर मिल जाता है हाइपर के मोड पर। सो गाइस, अभी मेरा टेस्ट ड्राइव लेके हो गया है, तो मैं अपना ओपिनियन आप लोगों को दे दूं। इसके जो सस्पेंशन है काफ़ी सॉफ्ट है, इसका जो एक्सेलरेशन है बहुत ही बढ़िया है, इसमें डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, इसके वजह से गाड़ी जगह पर ही रुक जाती है। इसका वेट है 110 और ये ले पाती है 170 तक। इसका जो सीट का हाइट है वो भी अच्छा है, सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, बहुत मजबूत है ये स्कूटर। ये अनब्रेकेबल बॉडी है इसकी, ठीक है, मेटल फाइबर से बनी हुई है, अगर कुछ ठोकती है या कहीं कुछ होता है तो गाड़ी में कोई डैमेज नहीं आने वाला है, जस्ट क्रैक होगा। ये जो मिडल एरिया है, ये जो एरिया है बहुत ही मेंटेन किया गया है, ये वाला बहुत ही कंफर्टेबल है। अभी तक मैंने जितने भी स्कूटर देखी है, ये वाला जो पोर्शन है काफी पास में होता है, पर यहाँ पर ये मेंटेन किया गया है। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सो गाइज, ये हो गई इस वीक की स्कूटर की जानकारी। मैं ऐसी ही आऊंगी नेक्स्ट वीक नए स्कूटर के साथ आप लोगों के सामने। तब तक प्लीज आप मेरे वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।